जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आई हुई पांच बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि आने वाले मंथ से ऑल ओवर इंडिया में फिक्टेड हो जाएंगी, यानी कि लागू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये क्या अपडेट्स हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है और इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजबल ये वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पांच जो बड़ी अपडेट्स हैं ट्रांसपोर्ट जगत से रिलेटेड ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये आपको पता चल जाएं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो इस एम करते हैं इस वीडियो पे हम 2000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप इसको पूरा जरूर कर देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ट्रांसपोर्ट जगत से रिलेटेड सारी खबरें आप तक पहुँचती रहें समय पर। देखिए, कोविड के कारण दोस्तों काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आरटीओ ऑफिस में बदली जा रही हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बदल दी गई हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कुछ जो है वो आपको एडवांटेज के रूप में मिलेगा, कुछ जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज के रूप में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में गई हुई हैं। अब चूँकि मैं आरटीओ संबंधित कामकाज देखता हूँ, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो आपको पहुँचा सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको देरी नहीं करनी है, लाइक का बटन जोर से दबा देना है और कंटिन्यू हो जाना है इस वीडियो पर। चलिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से फर्स्ट अपडेट सबसे पहले बताने वाला हूं, जो कि रिलेटेड है आपके ड्राइविंग लाइसेंस से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक बार फिर से जो एडवाइजरी जारी की थी वो जारी कर दी गई है। उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि जिन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस 26 अप्रैल 2021 को एक्सपायर्ड हो गए उसके पहले, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस को 1 जुलाई 2021 तक वैलिड ट्रीट किया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जो पहले वाला आदेश आया हुआ था, जिसके माध्यम से आपको जून लास्ट तक तो वैलिडिटी मिल रही थी, अभी उसको 1 जुलाई कर दिया गया है, यानी कि आप 1 जुलाई तक वो मान रहेंगे। जो अपडेट्स के हिसाब से न्यूज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जो इसमें रिलेटेड जो दूसरी नई और बड़ी अपडेट्स इसमें निकल के आई है, वो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है अगर लर्निंग लाइसेंस होल्डर हैं आप तो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये खबर है। बहुत सारे लोगों के लाइसेंस जो हैं वो एक्सपायर्ड हो गए इन कोविड के कारण, लॉकडाउन के चलते वो आरटीओ में नहीं जा पा रहे हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए। तो ऐसे केस में दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है, जिसके माध्यम से अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हो रहा है, तो आप बिना उसको रिन्यूअल करवाए हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी हाँ, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बात कर रहा हूँ, आपको लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि आपके वहाँ पर लाइफ में काफ़ी अच्छा वहाँ पर इम्पैक्ट देगी, अगर इन द सेंस ऑफ लाइसेंस रिलेटेड वर्किंग। दोस्तों, तीसरी जो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपडेट के बारे में, जो कि आप लोगों से संबंध रखती है, जिन लोगों के कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्थायी लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस आवेदन किया था, परमानेंट लाइसेंस यानी कि जो कार्ड वाले प्लास्टिक ड्राइविंग लाइसेंस आते हैं वो, तो उन्होंने जो कोविड में या फिर पेंडेमिक सिचुएशन में बीच में जो लॉकडाउन उसमें आवेदन किया और उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास समय पर नहीं पहुँच पाया बीच में, या तो डिलीवरी डिस्पैच जो ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच डिलीवरी होती है वो रोक दी गई कोविड के चलते, या फिर उस एरिया में केस की संख्या काफ़ी ज़्यादा, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न की वजह से अगर आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है, तो आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुनः प्राप्त करने के लिए कोई भी फिर से फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ पर आवेदन देना होगा आरटीओ में, या आप उसको ऑनलाइन तरीके से फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन में जब लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू जो ख़त्म हो जाएगा उसके दौरान आप वहां पर आरटीओ विजिट करके अप्लीकेशन देंगे, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर भेज दिया जाएगा। वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तीसरी और बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं हम चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ से ट्रांसपोर्ट जगत में रिलेटेड है, वो लागू हो जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर में। तो चौथी बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कोविड कर्फ्यू के कारण अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट खो दिया, यानी कि जिन्होंने इसी दौरान टेस्ट के लिए आवेदन कर रखा था और उनको वहां पर
चांस नहीं मिला कोरोना कर्फ्यू के कारण आरटीओ में विजिट करने का, तो ऐसे लोगों के लिए आरटीओ ने एक बहुत ही बढ़िया सुविधा दी हुई है कि ऐसे लोगों को नए स्लॉट 1 जून 2021 से अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी स्लॉट नेक्स्ट बुकिंग या फिर फीस पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों के स्लॉट इस कोविड कर्फ्यू के कारण बंद हो गए, जिनको नहीं जा पाए आरटीओ क्लोज होने की वजह से, 1 जून 2021 से उनको स्लॉट्स नए दिए जाएंगे और वो स्लॉट्स जो रहेंगे वो जून में आपको मिल जाएंगे, आपके मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होगा अगर आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया होगा तो। ऑब्वियस सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई के लिए बिना मोबाइल नंबर के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा नेक्स्ट डेट की, वहाँ पर आपको डेट दी जाएगी, तो उसी डेट पर आप वहाँ पर विजिट करेंगे और वहीं पर आपको सब कुछ, आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिसके माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा सुखद एहसास होगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सबको ऐसी जानकारियाँ समय दर समय आरटीओ संबंध में मिलती रहें। चलिए पाँचवीं और बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। इन सब के अलावा बहुत सारे लोगों के मैसेज हमें प्राप्त होते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर के माध्यम से आप लोगों का प्यार मिलता है, YouTube कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं कि नए लर्निंग लाइसेंस कब से बनाए जाएंगे। जी, नए लर्निंग लाइसेंस 15 जून 2021 यानी कि 15 जून 2021 से लर्निंग लाइसेंस के कामकाज नए वाले किए जाएंगे ऑल ओवर इंडियाज में आरटीओ में फिलहाल के लिए, अगर कोविड कर्फ्यू आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो। यानी कि आरटीओ अगर ओपन होंगे तो, जो कि अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके माध्यम से कि आप लोग के लिए जो पब्लिकली काम हैं वो 10th जून से किए जाएंगे, ओपन होंगे आरटीओ 1st जून से। फिलहाल दोस्तों जो अभी तक के लिए खबर आई है माननीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, तो 1st जून से ओपन तो आरटीओ हो जाएंगे, लेकिन पब्लिकली जो है वो आप लोग विजिटिंग 10th जून से कर सकते हैं, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून से आप मान के चल सकते हैं। तो मान के चलिए जहाँ तक बात है आपके नए लर्निंग लाइसेंस या कामकाज की, तो हमने आपको बताया 15 तारीख से किए जाएंगे। ये पांच बड़ी खबर हैं ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो संबंध रखती हैं, ये मैंने आपको बताई। आपको भी जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं हमसे। पर्सनल बातचीत, सुझाव देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आइए आपका स्वागत है, हम बात करेंगे अच्छे से। 24/7 आप अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर आइए टेक्निकल आलोक जी @ लगाकर सर्च करिए, फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए, आपका स्वागत है। ट्विटर के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाते रहते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो करिए, वहां पर अपनी समस्याओं को लिखिए और हमारे ट्विटर हैंडल को मोर्थ इंडिया को और अपनी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को टैग करना मत भूलिएगा, ट्वीट कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, जाकर वहाँ पर फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए, स्वागत है आपका, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन ज़ोर से दबाइएगा, आपकी एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो इन द फ्यूचर ट्रांसपोर्ट जगत की। अब मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।